कानपुर रेलवे फाटक के पास तेज रफ्तार दूध के कैंटर ने बाइक सवार छात्र को कुचला, हुई मौत। परिवार के लोगों ने पुलिस की गाड़ी में की तोड़फोड़, लगाया चौपला पर जाम। गजरोला औद्योगिक नगरी क्षेत्र के भानपुर निवासी विकास, उम्र 20 साल, पुत्र गजेंद्र कक्षा 11वीं का छात्र था। वह परिवार की एक महिला को छोड़ने के लिए गया था। वापस विकास घर बाइक से लौट रहा था। भानपुर रेलवे फाटक के पास दूध के कैंटर ने उसकी बाइक में टक्कर मार दी तथा उसे कुचल दिया, जिसमें विकास की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद चालक कैंटर लेकर फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके पर पहुंची तथा घटना की जानकारी की। इसके बाद पुलिस ने दौड़कर हसनपुर मार्ग से कैंटर चालक को पकड़ लिया और कब्जे में ले लिया। चालक भी हिरासत में है, जिसके बाद पुलिस वापस घटना स्थल पर पहुंची और इतने में छात्र के परिवार के वाले अन्य लोग भीड़ के साथ आ गए और उन्होंने चौपला चौकी पर जाम लगाने के बाद में पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। इतना ही नहीं, वहां मौजूद अधिकारियों से भी परिवार के लोगों की तीखी नोकझोंक हुई और हंगामा करना शुरू कर दिया। मंडी धनौरा के CO अरुण कुमार, एडिशनल SP हसनपुर के CO, रजबपुर थाना पुलिस, धनौरा पुलिस, बछराइयों पुलिस मौके पर पहुंची। हाईवे पर लोगों ने चौपला चौकी के सामने जाम लगा दिया। जो लोग मोबाइल से वीडियो बना रहे थे उनके मोबाइल तोड़ दिया और उन्हें बेरहमी से पीटना भी शुरू कर दिया। आक्रोशित लोगों को पुलिस समझाने में जुटी हुई है। जी सर, ये जो घटना हुई है इसमें पुलिस की गाड़ी में भी तोड़फोड़ हुई है, इसके बारे में बता दीजिएगा। ये आज अभी थोड़ी देर पहले की बात है, यहाँ भानपुर के पास एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें एक आदमी की मृत्यु हुई थी। पुलिस को सूचना मिली, पुलिस तत्काल पहुंची और उसने जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था उसे पीछा करके पुलिस ने पकड़ लिया। एक टैंकर था और उसके ड्राइवर ने उसको थाने पर भिजवा दिया तथा जो मजरूह था उस समय बाद में मर गया, मृत्यु हो गई, उसको पुलिस अपनी गाड़ी में लाद करके ले जाने लगी तो लोगों ने इसको भी रोक दिया इसी बात को और थोड़ा आक्रोशित हुए और पुलिस की जीप में एक गुस्सा मारा जिससे पुलिस का एक शीशा टूट गया है। बाद में लोगों को समझा बुझा दिया गया है, हम लोग सभी मौके पर आ गए और इस संबंध में उन्होंने तहरीर दे दी है। डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और इसमें जो एक्सीडेंट वाली गाड़ी है और जिसका मौजूद है वो पुलिस के कब्जे में है। सामान्य स्थिति है, सामान्य ठीक। थैंक यू।